इन साहब को पहचानते हैं आप? ये नौजवान है हमारे सामने, इनसे पूछते हैं भाई, ये बताएं इन साहब को पहचानते हैं आप? नहीं, हमारे जान भी जान इस चीज में नहीं, हमारा काम है रक्षा। पहचानते हैं इनको? इन साहब को पहचानते हैं? पंजाब से आए भाई? भाई पंजाब से आए तो कराची के लोगों को कैसे पहचाने का भाई, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, आप देख रहे हैं राशिद हसन व्लॉग। नाज़रीन, मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको मेरे साथ ही रहिएगा। टॉपिक कुछ इस तरह का है कि मैं कुछ तस्वीर दिखाऊंगा लोगों को, और वो तस्वीर कुछ होगी पॉलिटिशियंस की। तो चार पॉलिटिशियंस हैं कराची के मशहूर, और चार बड़ी पार्टियां हैं कराची की, उनकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। उसके बाद उन लोगों से जानना चाहेंगे, मालूम करना चाहेंगे कि वो किसको ज़्यादा रिकग्नाइज़ करते हैं। तो जितने भी सवालात होंगे उन सवालात के जवाब को हम फिर डिवाइड कर देंगे परसेंटेज में, और फिर एनालाइज करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा लीडर है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। बस एक हम लोग व्लॉग बनाने के लिए आए थे, तो हमारे जहन में एक चीज़ थी, ये आपको दिखा रहे हैं। आप पहचानते हैं इनको? जी बिल्कुल पहचानता हूँ, देखा भी है, हम आए भी हैं, मुलाकात भी हुई है। नाम मुझे थोड़ा मिसिंग है। क्या नाम है इनका? नाम नहीं, किसी का याद है, पर्सनली मुलाकात हुई है इनसे वोट के सिलसिले में। तो आप कोई एक जुमले में इनके बारे में कुछ कहें? जहाँ तक इनसे मीटिंग हुई थी वहाँ पे, मतलब बहुत शरीफुल नफ्स इंसान, यार कह रहे बहुत अच्छे, मतलब एक अट्रैक्टिव नेचर के इंसान है माशाल्लाह से। जो इनसे बात हुई थी, मतलब जस्ट वोट के बारे में से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो ले जाता उस वक्त तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का रश था यहाँ पे, जिस ज़माने में बात हुई थी, जो यहाँ पे हुआ करते थे कभी, जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है यहाँ पर, तो उस हवाले से उनसे बात हुई थी। तो माशाल्लाह 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 से बेहतरीन। अच्छा चला जी, नाम तो याद नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूँ, ये हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं। चले अभी और भी लोग हैं, ज़रा उनसे देखते हैं, पता करते हैं कि क्या लोग पहचानते हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब को या नहीं। आइए सर, एक मिनट बात हो सकती है आपसे? ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, ये इन साहब को पहचानते हैं आप? हाफिज़ भाई। क्या नाम है इनका? हाफिज़ नईम भाई। हाफिज़ भाई ये तो पहचान गए फौरन भाई। अच्छा, आपने ज़ोर से बोल दिया, आपके दोस्त ने सुन लिया होगा। चले जानते हैं अभी? जी जी, ये हमारे एक कज़न है, वो उसे चेयरमैन की सीट के लिए खड़ा हुआ, ये कौन सा यूसी 14 से। अच्छा, चेयरमैनशिप के लिए वो इंतखाब हुआ है ना, जमा इस्लामी से। और इसका वो पेज भी मैंने फॉलो किया, जो आजकल जो फेसबुक पे आ रहे हैं ना नौजवान की तरफ से, जो लोग इसमें जमा, उसमें हम लोग भी सारे ऐड हैं इसमें एक साथ। और ये बड़ा बेहतरीन बंदे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह करे कि ये मेरी बन जाए किसी का। चले बहुत ज़बरदस्त भाई, इन्होंने तो पूछे बगैर ही बता दिया। अच्छा, इनकी तस्वीर देख के कोई एक कमेंट करेंगे आप? बंदा ग्रेट है यार, इसमें कोई शक नहीं, ग्रेट है। चले भी हाफिज़ नईम रहमान साहब के बारे में राय जो है वो अच्छी है लोगों की, थोड़ा सा देखते हैं और लोगों से भी मिलते हैं, फिर आइडिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी। अल्लाह, क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, इनको पहचानते हैं? नहीं नहीं पहचानते, कभी देखा भी नहीं है? नहीं, कभी नहीं देखा यार, हैरत है। किसी हिंट दे देता हूँ आपको मैं, ये एक सियासी पार्टी के लीडर है। सियासी चीज़ों से मैं दूर ही रहता हूँ। दूर रहते हैं? अच्छा, कराची के लिए बहुत बोलते हैं, एक ख़ास करके इलेक्ट्रिक के लिए बहुत बोलते हैं। बिजली का बिल कभी ज़्यादा आया है? आया तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं उस पर। नहीं आ रहा भाई, जहन में नहीं आ रहा भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है ना सर? ठीक है। केले ले लिए आपने? ले लिए। क्या हिसाब मिला आपको? 100 रुपये दर्जन दिए। 100 रुपये दर्जन, सही है रेट? मेरे ख्याल से सही है, 80-100 चल ही रहे हैं। अच्छा, ये सर बताएं, इनको पहचानते हैं आप? हाफिज़ नईम रहमान साहब। कैसे जानते हैं सर आप इनको? ये मशहूर मारूफ शख्सियत हैं सर। क्या किया है इन्होंने? लोगों की खिदमत, समाजी काम में हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ कर लोगों को तरगीब देना, समाजी काम की तरफ आगे बढ़ना और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अच्छी बात है ये। चले, इनके लिए कोई जुमला? जुमला ये होगा कि कार्य खैर करते रहें, कामयाबी अल्लाह इनके नसीब में लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे ये। इलेक्शन अगर हो गए तो
ये हमारी हुकूमत ने अगर इलेक्शन करा दिए तो ये नौजवान है हमारे सामने, इनसे पूछते हैं भाई ये बताएं इन साहब को पहचानते हैं आप? नहीं जानते। नहीं शायद पीपल्स पार्टी के। हाँ शायद पीपल्स पार्टी के। नहीं पीपल्स पार्टी के। अच्छा चलें, इनको जानते हैं जी? क्या नाम है इनका? नाम नहीं पता। जमात इस्लामी का। क्या नाम है? मतलब किस हवाले से जानते हैं? क्या मतलब किसी पार्टी से खड़े हुए ना जमात इस्लामी के? मतलब ये वोट वगैरह मांगना कराची की, कुछ कराची की कोई मुहिम चलाई हुई इन्होंने खासकर के इलेक्ट्रिक के हवाले से? जबरदस्त भाई, इनको भी जानते हैं? इनको भी नहीं जानते? अरे यार ये तो बड़ी मशहूर पार्टी के हैं इस वक्त कराच पाकिस्तान की मशहूर पार्टी है। पीडीआई के हैं भाई? नहीं इनको भी जानते हैं? इनको भी नहीं जानते? मतलब इन चार में से आप सिर्फ इन साहब को जानते हैं? चलें हाफिज़ साहब आपकी बड़ी वैल्यू है भाई, नौजवान जानते हैं आपको, पहचानते हैं, आपकी मार्केटिंग अच्छी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खा रहे हैं भाई? केला खा रहे हैं भाई, आपने खाए हैं? केले खा रहे हैं? लगता है सस्ते हो गए केले। शुक्र है ये तो अभी सस्ता है लेकिन सब्जी महंगी है, फल सस्ता है। सब्जी महंगा है और हम लोग महंगा है, सेब महंगा है, हम गरीब लोगों का तो यही केला मिलता है, यही 50-60 रुपए। चले मैं आपको जो है वो एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप बताएं इनको पहचानते हैं? इसका तो नाम नहीं आते लेकिन तस्वीर से तो जानते हैं। तस्वीर से जानते हैं? तो कैसे जानते हैं, क्या जहन में? बंदा तो सही, बंदा सही है, बस इतना पता है बंदा सही है। और पार्टी को बातों पे हम इतना गौर नहीं देते। अच्छा इनको भी जानते हैं? मैं इनको नहीं, इनको नहीं जानते। इन साहब को जानते हैं? ये तो नवाज शरीफ का पार्टी का कोई नहीं इनको भी नहीं जानते। ये साहब हैं ये भी नहीं जानते, हमारे जान भी जान इस चीज में नहीं, हमारा काम है रक्षा रक्षा। ये मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मतलब इन चार में से आप एक बंदे को जानते हैं जो कि सही बनता है आप कह रहे हैं? चलें जबरदस्त भाई, खुश रहो। चलें देखते हैं अभी और भैया नौजवान बैठे हुए हैं लेकिन थोड़ा परेशान है, पूछ लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई। मोहम्मद रईस भाई, आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप पहचानिएगा। इनको पहचानते हैं आप? नहीं। नहीं पहचानते? नहीं पहचानता। इनको पहचानते हैं? नहीं। इनको भी नहीं पहचानते? नहीं। इनको? नहीं। इन साहब को पहचानते हैं? आपसे आए? नहीं। लोग कहाँ से आते हैं? पंजाब से आए भाई। भाई पंजाब से आए तो कराची के लोगों को कैसे पहचाने का भाई, सीधी सी बात है। मैं अच्छा ये बताएं पंजाब के किस बंदे को जानते हैं आप? लाहौर के किसी मशहूर शख्स को जानते हैं? इमरान खान को जानता हूँ। तो यार तो इसको जानना चाहिए ना, ये भी उसी की पार्टी का है। नहीं बस उसी को जानता हूँ। उसी को जानता हूँ। हाँ। भाई सिर्फ इमरान खान का वोट है, बाकी किसी का नहीं है। दुआ अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये बताएं मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा मशहूर शख्सियत की, आपने पहचानना है ठीक है? इनको पहचानते हैं? पहचानते पीपल पार्टी के। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो मुझे नहीं आता, बहरहाल ये मुझे पता भाई पीपल पार्टी के, नाम नहीं मुझे पता। नाम नहीं पता, चलें इनको जानते हैं? इनको जानते हैं, ये तरीके इंसाफ के। इनका नाम क्या है? अल्लाह का शुक्र है इनका नाम भी नहीं जानते। अच्छा इनका नाम भी नहीं जानते, चलो इनको जानते हैं? इनको जानते हैं, वसीम अख्तर। वसीम अख्तर साहब हैं भाई, वसीम अख्तर साहब को जानते हैं। तो इनके लिए कोई एक जुमला भाई, इधर काम करो, ये रोड हर चीज़ ख़राब हुई पड़ी है, काम आपको करना चाहिए, आपने जो वोट लिया है इसलिए कि करना चाहिए काम आपको। सही। अब ये आखिरी तस्वीर देख लें आप, इनको जानते हैं? इनको जानते हैं, जमात इस्लामी के। इनका क्या नाम है? मौलाना नईमो साहब। मौलाना हाफिज़ नईमो भाई, उन्होंने बता दिया लेकिन पहुँच गए थे आप, करीब करीब पहुँच गए थे। इनके लिए कोई जुमला? माशाल्लाह ये अच्छे काम कर रहे हैं, ये शहर में हर जगह देखा है, आ रहे हैं काम के लिए, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनको दे परवरदिगार सबको, और इनकी तरफ आए तो
फिर मसला भी हल होगा कोई। चला जी, हाफिज साहब से उम्मीदें हैं काफ़ी लोगों को, और ये जो चार तस्वीरें हमने दिखाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज हाफिज साहब को किया है। शुक्रिया बहुत बहुत जान। चलिए भाई हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं। भाई मैं आपको तीन चार तस्वीरें दिखाऊंगा, आपने पहचाना, ये इम्तहान है आपका, ठीक है? इनको पहचानते हैं आप? मैंने तो नहीं देखा। नहीं पहचानते? नहीं देखा भाई इनको, इनको भी नहीं पहचानते। ये फिरदौस साहब हैं वैसे, फिरदौस शमीम नकवी, इनको पहचानते हैं? हाँ इनको देखा है मैंने। इनको शक्ल देखी देखी लग रही है? हाँ नहीं देखा है वैसे। देखा है? कोई नाम हम याद है? नहीं, अब जाहिर आदमी है क्या कह सकते हैं। नाम तो पता होगा ना? नहीं। बाबर या ऐसी कोई? बाबर, चले कोई मिलता जुलता है। करीब करीब पहुँच गए आप, है वही तकरीबन कैटेगरी। चले इनको पहचानते हैं? हाँ ये जमात के बड़े हैं, इनका नाम भी अच्छा सा है मगर जहन में इनका भी नाम नहीं आ रहा है। जमात के बड़े हैं इतना पता है आपको? बड़े लीडर हैं बल्कि जमात। इनको कैसे जानते हैं? ये इनके काफ़ी माशाल्लाह से तकरीरें देखी हैं मैंने, चल रही थी टीवी पर जी अपना, दो मिनट चुरंगी पे, पावर हाउस पे, इस तरीके से बात अच्छी करते हैं तो आपको याद रहा। जी सही, जमात इस्लामी के बड़े हैं। जमात इस्लामी के बड़े हैं। चले इन चारों में से आपको दो लोग कुछ याद हैं और ये ज़्यादा याद है आपको? ज़्यादा याद है ये कि माशाल्लाह इनकी तस्वीर देखता हूँ जो बात। चलें शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। इनको जानते हैं? ये मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब को जानते हैं? तो इनके लिए कोई एक जुमला? बर्बाद कर दिया कराची को। कराची को बर्बाद कर दिया भाई मुर्तज़ा वहाब साहब, बर्बाद कर दिया, आवाम कह रही है आगे आ जाएँ। इनको जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, पीटीआई के ये अपना शबीम नकवी। बिल्कुल सही है, इनके लिए कोई जुमला? बेहतरीन बंदे, बेहतरीन बंदे हैं, शरीफ उन्नास आदमी है, कुछ ज़्यादा ही शरीफ है। सही, इन सब को जानते हैं? ये जो आज हम भुगत रहे उन्हीं की वजह से, कराची के में जो हालात है वही इन्हीं की वजह से, कराची के हालात है। इन्होंने भी गवर्नर बनाया, वो भी इनका अपना बंदा नहीं है, मतलब वो एक ही नाम दिया उन्होंने, एक ही नाम दिया आरिफ अलवी को, और आरिफ अलवी से पूछा गया वसीम मंदावी के प्रोग्राम पे कि आपके पास पांच नाम आए थे तो आपने एक को क्यों फाइनल किया? उसने कहा मेरे पास तो एक ही आया था, चार रास्ते से गायब हो गए थे। चलो ये आखिरी मैं दिखाता हूँ, ये जनाब नाइस बंदे, बेहतरीन, नईम उल हक साहब। नईम उल हक यार, कुछ नईम उर रहमान, नईम उर रहमान, इनके बारे में कुछ जुमला? अच्छे शरीफ इंसान है, बेहतरीन बंदे। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो हमने चार शख्सियात दिखाई इनको भी, भाई को सबको रिकग्नाइज़ किया और जुमले भी बता दिए, सब चीज़ें बता दी भाई, पोस्टमार्टम कर दिया था पहले। मोहम्मद फैसल भाई आपसे सवाल ये है, आपको मैं तो कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप रिकग्नाइज़ करेंगे, ये कौन साहब हैं? ये पीपल्स पार्टी के जो वो थे अभी बल्दिया एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कराची। नाम याद है? मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब, ठीक है जी। इनके लिए कोई जुमला? नाहल नाकारा। नाहल और नाकारा, भाई मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रही है, आगे आ जाएं। ये साहब? ये भी नाकारा, पीटीआई के। ये भी पीटीआई के, ये भी आप उन्हीं की कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्यों भाई? अभी तो इनका मौका ही नहीं मिला। मौका अभी ये हुकूमत करके तो गए यार, तीन साढ़े तीन साल क्या करके गए कराची के लिए, कुछ भी नहीं। चले ठीक है। ये साहब? ये भी नाकारा है, कुछ नहीं किया इन्होंने भी, मतलब ये का भी बेड़ा गरक और कराची का, इनका नाम भी बता दें, वसीम अख्तर। वसीम अख्तर साहब ने भी कुछ नहीं किया, आगे आ जाएं। इनसे कुछ उम्मीदें हैं शायद कुछ कर जाएं। क्या नाम है इनका? ये वो है ना जमात इस्लामी के, नाम जहन में नहीं आ रहा है। हाफिज, हाफिज नईम उर रहमान, हाफिज नईम उर रहमान। तो इनको मतलब पहचान तो आप सबको गए हैं, हाँ, पूरी कराची, और इनमें आप कराची के लिहाज से इनको रिकग्नाइज़ करते हैं फिलहाल। चलें शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब, मैं आपको तीन चार तस्वीरें दिखाऊंगा, आपने रिकग्नाइज़ करना है, ये बताएं ये कौन साहब हैं? आई डोंट नो, नहीं जानता। नहीं जानते आप? ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी के कराची के लीडर हैं। अच्छा, पता नहीं, मेरे घर में टीवी रही है। टीवी रही है? चले वैसे तो मोबाइल पे भी आते हैं ये। इन साहब को जानते हैं?
नाम से नहीं जानते। ये मुर्तजा वहाब साहब हैं पीपल्स पार्टी के। अच्छा, इन साहब को जानते हैं? हाँ, ये वसीम मेखर से, क्या तो नाम वसीम, ऐसी कोई नाम वसीम अख्तर साहब। अच्छा, इनके लिए कोई जुमला? मुझे इतना मालूम नहीं है इनके बारे में, सियासत के बारे में इतना कुछ जानता नहीं। इतना चले, अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, दरमियाने आदमी हैं? बेहतर है माशाल्लाह, पहले बेहतर आदमी है। ये साहब नाम से नहीं जानता हूँ, शक्ल से जानता हूँ, देखा शक्ल से जानते हैं इनको। टीवी नहीं है आप लोगों के घर में? नहीं, मेरे घर में, इसीलिए आप किसी को नहीं जानते। चले, मोबाइल वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखा करें, थोड़ा हालात का जायज़ा लेते रहा करें। ठीक है। तौकीर, तौकीर भाई खैरियत से हैं आप? आपको मैं तीन चार तस्वीरें दिखाऊंगा, आपने रिकग्नाइज करना है, ठीक है? ये साहब कौन है, पहचानते? नहीं। ये पीछे झंडा लगा हुआ है, देखें पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के आदमी है, मुर्तजा वहाब साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर थे साबिक। इनको जानते हैं? नहीं, सियासी पार्टी के तो इनको भी नहीं जानते। इन साहब को जानते हैं? हाँ, इन साहब को। क्या नाम है इनका? इनका वसीम अख्तर। वसीम अख्तर साहब, इनके लिए कोई जुमला? कोई ऐसा जुमला जो समझ में नहीं आ रहा? अच्छे आदमी है, मुनासिब आदमी है, या सही है? हाँ बस। इन साहब को जानते हैं? इन साहब को नहीं जानते, ये बहुत आवाज़ उठाते हैं कराची के लिए। जी जी बिल्कुल, देखा है लेकिन नाम से वैसे इतना नाम से, क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं इस शक्ल से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।